वेलकम टू वंदिताज किचन। सो फेस्टिव सीजन हमारे यहाँ चलते ही रहते हैं, हमारे यहाँ खाना पीना सब कुछ चलता रहता है, लेकिन बैलेंस करना है हमें डाइट को, तो लेट्स स्विच टू सम सैलड्स। यस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ किनवा सैलड। किनवा सैलड थाई स्टाइल। सो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। किनवा सैलड के लिए हमें चाहिए है ऑफकोर्स किनवा, राइट? सो हमें एक कप पूरा किनवा चाहिए है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे हमारे ऑयल से। सो आई हैव ऑलिव ऑयल। थाई सैलड है तो आप पीनट ऑयल भी डाल सकते हैं, मूंगफली का तेल, राइट? लेकिन मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले रही हूँ बिकॉज इट इज़ लिटिल लाइट एंड हेल्दियर देन पीनट ऑयल। सो एक टीस्पून हमने ऑलिव ऑयल लिया है। अब गरम होने से पहले हम इसमें डालेंगे अनियंस। गरम क्यों नहीं होने देना है ये ऑलमोस्ट सबको पता है, इससे आपकी ऑयल का न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है। सो बिफोर इट गेट्स फिनिश्ड हम प्याज डाल देते हैं, राइट? कैन यू हियर दैट? ऑयल गरम ज़्यादा नहीं है, फिर भी इट इज़ सिजलिंग। स्टर। और अब इसके बाद हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, एक टेबलस्पून जितना मैंने गार्लिक लिया हुआ है। सो गार्लिक छोटे छोटे चॉप कर लेना है। स्टर करिए, थोड़ा सा स्टर फ्राई जैसे, इसको अच्छे से हिलाते रहिए। जैसे ही अच्छा अरोमा आने लगे हम आगे के इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करते हैं। सो अब हम डालेंगे इसमें हमारा किनवा जो मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है। इससे पहले ही आप एक कप किनवा लेते हैं तो दो कप पानी में उसे बॉईल करें। और ये देखिए कितना खिला खिला किनवा रेडी है। अब डालेंगे हम सारे दूसरे वेजिटेबल्स जो आप कच्चे भी खा सकते हैं। सो सबसे पहले हम डालेंगे गाजर। गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है। ब्रोकली को मैंने ब्लांच कर लिया है। और अब डालेंगे कलरफुल पेपर्स, हमारे ग्रीन रेड और येलो पेपर्स। ये सैलड बहुत ही कलरफुल बनेगा और कलरफुल के साथ टेस्टी भी, क्योंकि इसमें जो हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही टेस्टी है। इट्स गोइंग टू बी नटी, थोड़ा सा लेमनी, थोड़ा सा स्पाइसी। सो आपका सैलड बहुत टेस्टी बनने वाला है। अब हम डालेंगे इसमें हमारे पीनट। तो ये हमारे सॉल्टेड पीनट्स हैं। सो इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, चॉप कर लिए हैं, एंड इट इज राइट हियर। नाउ लेट्स पुट सम सीजनिंग। तो सीजनिंग में हम डालेंगे हल्का सा सॉल्ट। सॉल्ट ज़्यादा ना डालें, हल्का सा ही डालें। इसे थोड़ा सा स्पाइसी लेवल लाने के लिए हम डालेंगे चिली फ्लेक्स एंड हमारे ग्रीन अनियंस जो हमने छोटे छोटे चॉप कर लिए। थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रहने देती हूँ। एंड लास्ट हमारा टोमेटोज। टोमेटोज इसलिए लास्ट में डाल रही हूँ क्योंकि ये पल्पी नहीं होने चाहिए। सो हियर वी गो। एंड हम मैं इसको बंद कर देती हूँ। हमारा टोमेटोज भी डाल दिए। अब इसे हम हल्के से हाथ से चला देंगे। एंड थोड़ा सा कोकोनट, जस्ट लिटिल बिट कोकोनट स्प्रिंकल करेंगे। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट हमारा लेमन, विच विल गिव अ वेरी नाइस एंड टैंगी फ्लेवर। सो हियर वी गो एंड डन। तो मैंने आधा नींबू लिया है इसमें, उसको हम स्टर कर दें। अब हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, जस्ट अबाउट हाफ अ टीस्पून। अगर आप ग्लूटेन फ्री खाना चाहते हैं तो ग्लूटेन फ्री सोया सॉस अवेलेबल है मार्केट में, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये पूरा आपका खाना ग्लूटेन फ्री हो जाएगा। अगर आप नहीं भी डालना चाहें तो यू कैन अवॉइड इट। और हमारा पेपर, विच विल गिव अ नाइस पेपरी फ्लेवर। तो हमारा हार्टी हेल्दी किनवा सैलड रेडी है जो हमने थाई स्टाइल बनाया है। सो आप भी आपके घर पे ये रेसिपी ट्राई करिए एंड हैव अ बैलेंस्ड डाइट लाइफ, राइट? सो सी यू नेक्स्ट टाइम अगले रेसिपी के साथ विद अ ट्विस्ट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।